बॉलीवुड में मोस्ट हैंडसम, पावरफुल, पॉपुलर, डैशिंग बैचलर हीरो कौन? वन एंड ओनली सलमान खान। सलमान खान अपने फिल्म, मीडिया के साथ बिहेवियर एंड अपने ऊपर कोर्ट केसेस के दौरान हमेशा खबरों के सुर्खियों में रहते हैं, मगर इन सब चीज़ों को छोड़ के भी एक खबर हमेशा पी टाउन में घूमती रहती है, वो है सलमान खान का शादी। सलमान खान के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत का रिलेशन। सलमान खान के लाइफ में गर्लफ्रेंड तो बहुत बार आया है, मगर सच्चा प्यार इनके जीवन में कभी नहीं आया, और आया भी है तो मगर रहा नहीं इनके साथ। इसलिए 57 इयर्स में भी भाई अभी भी एवरग्रीन बैचलर हीरो बन के बॉलीवुड में राज कर रहे हैं। फ्रेंड, भाईजान के लाइफ में अभी तक जितने गर्लफ्रेंड का एंट्री और एग्जिट हुआ शायद भाईजान को भी मालूम नहीं, लेकिन आपका दोस्त यानी कि मैं आज इस वीडियो में भाईजान के सभी गर्लफ्रेंड का पूरा खुलासा करूँगा इस वीडियो के दौरान। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए सिर्फ इस चैनल पे। बॉलीवुड में सलमान खान के बारे में एक बात सबको मालूम है, ही इज़ ए ब्रेव हार्ट एंड वेरी इनोसेंट पर्सन। भाईजान जो भी करता था अपने मन से करता था, और इस मन यानी कि दिल पे पहली बार प्यार का दस्तक दिया साइन बानू। साइन बानू सुपरस्टार दिलीप कुमार और सहरा बानू का भतीजी थी। सलमान उस टाइम कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में साइन भी पढ़ती थी। साइन बानू सलमान का पहला प्यार था। उस टाइम सलमान अपना रेड कलर का स्पोर्ट्स कार लेके कॉलेज के गेट के पास वेट करता था साइन के लिए। सलमान का दीवानगी इस कदर पहुंच गया था, अपना भाईजान दूध और रोटी भी साइन के घर पे पहुंचा देता था इस बहाने एक बार साइन को देखने का मौका मिल जाए। कुछ दिनों बाद सलमान साइन को अपने घर पे सबके साथ परिचय भी कराया। आहिस्ता आहिस्ता दो परिवार इस रिलेशन को मानने लगे और बात शादी तक भी पहुंच गया था, मगर ये रिलेशन ज़्यादा दिन टिका नहीं। सलमान इस टाइम अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया। सलमान मॉडलिंग शूटिंग के दौरान सन 1980 साल का मिस इंडिया संगीता बिजरानी को देख के अपना दिल दे बैठा। पहली नज़र पे सलमान को संगीता से प्यार हो गया था। इसके बाद शाहीन बानू के साथ सलमान का रिलेशन टूट गया। ये सभी घटनाएं जसीम खान अपना किताब बींग सलमान में लिखा है। सलमान के साथ रिलेशन टूटने के बाद शाहीन बानू एक्टर सुमित सहगल के साथ शादी कर लेती है। फेमस तमिल एक्ट्रेस सायसा सहगल सुमित और शाहीन सहगल का बेटी है। शाहीन बानू सलमान का रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण था संगीता बिजलानी। संगीता को देख के सलमान शाहीन को भूल गया था। ब्यूटीफुल संगीता को देख के सलमान अपना दिल दे बैठा। धीरे धीरे दोनों की रिलेशनशिप इतना मजबूत हो गया था कि शादी के कार्ड भी छप गई थी डेट के साथ, मगर सलमान खान के नसीब में इस बार भी प्यार सक्सेस नहीं हो पाया। दोनों इस रिलेशनशिप को लेके काफी पॉजिटिव भी थे, मगर मैं इतना जानती हूँ कि जिस आदमी से मेरा ब्याह होगा वो एक नामचीन होगा। लेकिन सलमान के नसीब में प्यार सक्सेस नहीं हो पाया। वन एंड ओनली रीजन, सोमी अली। पाकिस्तानी एक्ट्रेस जर्नलिस्ट सोमी अली एक्टिंग के दौरान बॉम्बे में आती है और सलमान के साथ परिचय होता है। इस टाइम संगीता बिजलानी के साथ सलमान का रिश्ता ठीक ठाक नहीं चल रहा था, और इस वजह से सलमान संगीता के साथ ब्रेकअप करके अपना दिल सोमी अली को दे देता है। सोमी अली के साथ सलमान कंटिन्यू डेट भी करने लगता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर एक नाइट पार्टी में सलमान सोमी के साथ मिसबिहेव किया। खबरें सामने आती है कि सलमान गुस्से में आके सोमी अली को कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल से चोट पहुँचाया था। सोमी अली बाद में एक मीडिया के सामने ये बात साफ इनकार किया था। सलमान के साथ सोमी अली का रिलेशन 8 इयर्स तक था, मगर कोई वजह से फिर से ये रिलेशन भी टिक नहीं पाया। इन 1997 सलमान खान फिल्म हम दिल दे चुके सनम के शूटिंग के दौरान फिल्म का एक्ट्रेस ऐश्वर्य राय को सामने देखकर फोर्थ टाइम सोमी को भूल के ऐश्वर्य को अपना दिल दे बैठता है। शूटिंग के दौरान सलमान ऐश्वर्य के बहुत करीब आ जाता है। इस टाइम सलमान सोमी अली को चीट करता है। खबरें सामने आती है इस टाइम फिल्म जोश के डायरेक्टर मंसूर खान सलमान को फिल्म में कास्ट किया था, मगर सलमान का रोल ऐश्वर्य का भाई का था, इसलिए सलमान इस फिल्म को इनकार कर दिया था एंड बोला था उसे मेरी बहन मत बनाओ यार। फिल्म से पहले सलमान अपना फिल्मी करियर संभाल लिया था एंड ऐश्वर्य भी मिस यूनिवर्स हो चुका था। तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा।
सौमी अली के साथ रिलेशनशिप में रहने के टाइम पे ऐश्वर्या सलमान के घर पे आके सौमी को ही पूछता था कि सलमान घर पे कहाँ पे है। उसके बाद सौमी के सामने सलमान से मिलने ऐश्वर्या पहुँच जाता था वहाँ पे। शुरुआत में सौमी को अंदाजा नहीं हुआ था, मगर धीरे धीरे सलमान ऐश्वर्या का रिलेशन को देख के सौमी को मालूम हो गया था सलमान अभी ऐश्वर्या को चाहता है। अपना प्यार को दूसरे के बाहों में देखकर सौमी ने सलमान से रिश्ता तोड़ के सलमान और इंडिया छोड़ के अमेरिका चली गई। सौमी अली जाने के बाद सलमान ऐश्वर्या का रिश्ता और भी मजबूत होते गया, दोनों एक दूसरे का काफी करीब आ गया था। रिलेशनशिप ऐसे जगह पे पहुंच गया था कि सलमान के घर पे कोई भी फंक्शन में ऐश्वर्या हमेशा प्रेजेंट रहती थी। खबरें आती है ऐश्वर्या को सलमान के काफ़ी करीबी दोस्त भाभी नाम से बुलाने लगा था, मगर सलमान के साथ ऐश्वर्या का रिश्ता ऐश्वर्या के फैमिली वाले को पसंद नहीं थी। नवंबर 2001 की रात इस लव स्टोरी एंडिंग का शुरुआत का रात था। इस रात में सलमान ऐश्वर्या के बंद दरवाजे के सामने खड़े बहुत गुस्से में थे। सलमान ऐश्वर्या को बंद दरवाजे के खोलने के लिए धमकी भी दी, अगर दरवाज़ा ऐश्वर्या ने नहीं खोला तो सलमान छत से ऐश्वर्या के घर छलांग लगा देगा। 19 मंजिल वाली इस बिल्डिंग में ऐश्वर्या 17 मंजिल पर रहती थी। अगर गुस्से में सलमान छलांग लगाता तो कुछ भी हो सकता था। सलमान इतने गुस्से में थे कि पड़ोसी के कोई भी शख्स सलमान को रोकने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। सलमान सुबह 3 बजे तक दरवाज़ा पीटते रहे, कहते हैं पीट पीट कर सलमान को हाथ जख्मी हो गया था। आखिरकार सलमान के गुस्से और जिद के आगे ऐश्वर्या को हार मानना पड़ा और सुबह 6 बजे ऐश्वर्या दरवाज़ा खोला। उसके बाद सलमान अंदर गए और रात को 8 बजे तक वो ऐश्वर्या का घर पर रहे। लेकिन सलमान ऐसा किया क्यों, किस लिए सलमान ऐश्वर्या के घर के सामने रात भर तमाशा खड़ा करते रहा? खबरें आती है सलमान ऐश्वर्या को पूछने गया था कि कब ऐश्वर्या सलमान से शादी करेगा, कब तक ये रिलेशन यूं ही चलते रहेगा। इस टाइम ऐश्वर्या बॉलीवुड के सबसे उभरते पसंदीदा एक्ट्रेस थी। शादी करके ऐश्वर्या अपने करियर को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। इसके चलते सलमान के साथ कुछ झमेला भी हुआ, इस वजह से सलमान ऐश्वर्या का फ्लैट में जाके हंगामा किया था। सलमान खान के पिता सलीम खान एक इंटरव्यू में बताया कि उस दिन ऐश्वर्या सलमान का फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी। सलमान को फिक्र होने लगा था, फ्लैट का दरवाज़ा भी नहीं खोलने के वजह से सलमान और भी परेशान हो गए थे, इसलिए सलमान दरवाज़ा खोलने के लिए ये हंगामा किया था। ये होने के बाद ऐश्वर्या के पिता December 27 में मिस्टर रॉय सलमान के नाम पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में कॉम्प्लेन भी किया। सलमान को अपना गलती का एहसास हुआ एंड एक इंटरव्यू में कबूल किया ऐश्वर्या के पिता जो किया था वो बिल्कुल सही किया था। यह सब कांड होने के बाद सलमान का इमेज मार्केट में खराब हो गया था। सलमान के करीबी दोस्त के मुताबिक सलमान चाहता था कि मीडिया में ऐश्वर्या सफाई दे, मगर ऐश्वर्या इस टाइम चुप रह गई थी, जो सलमान को काफ़ी नाराज किया था। सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते में दरार बढ़ती जा रही थी। इस टाइम पे सौमी अली के पिता का ऑपरेशन के टाइम सौमी अली ने सलमान से हेल्प की मांग की और सलमान हेल्प करने अमेरिका चला गया। ऐश्वर्या को मालूम नहीं था ये सब हुआ। जब ऐश्वर्या को मालूम हुआ ऐश्वर्या बेहद गुस्से में आके सलमान से रिश्ता तोड़ने को कही। सलमान इस बार भी ऐश्वर्या को मना लिया था। मगर ये सन्नाटा तूफान आने का पहले की थी, असली कहानी तब हुई जब ऐश्वर्या का फिल्म कुछ ना कहो के सेट पे सलमान आके गुस्से में तोड़फोड़ की, ऐश्वर्या का कार को भी नुकसान पहुंचाया। बात इतनी दूर तक गया कि फिल्म के डायरेक्टर सुभाष भाई को एक पार्टी में जाके थप्पड़ भी मारा सलमान। नेक्स्ट डे सलमान अपने पिता के कहने पे फिर से जाके माफ़ी भी मांगी। 2002 में एक अवार्ड फंक्शन में ऐश्वर्या को हाथ में बैंडेज और आंखों में चश्मा पहनकर देखा गया। मीडिया में खबर आई कि सलमान ने ये सब किया, मगर ऐश्वर्या बाद में इस बात को साफ इनकार किया था।
वो बोली, फ्लैट में गिर जाने के वजह से ऐसा हुआ था। धीरे धीरे ऐश्वर्या इस रिश्ते से अपने आप को हटा लिया था। एंड बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा रिलेशनशिप टूट गया था 2002 साल में। सलमान बहुत कोशिश किया था इसे बचाने के लिए, मगर जो होना था वो तो होके रहेगा। ऐश्वर्या जाने के बाद 2005 साल में सलमान का बहन अर्पिता खान ने अपने फ्रेंड स्नेहा उल्लाल से मिलाया सलमान से। खबरें आती है कि टूटा हुआ सलमान के दिल पे स्नेहा ने जख्म भरने का काम किया था। स्नेहा का चेहरा ऐश्वर्या के साथ काफ़ी मिलता था। स्नेहा के साथ सलमान 2005 में लकी नाम का एक फिल्म भी किया, मगर सलमान के मन में ऐश्वर्या को जगह स्नेहा ने पूरी नहीं भर पाई, इसलिए ये रिलेशन भी ज़्यादा दिन टिका नहीं। साल 2004 में सलमान खान के अपार्टमेंट में सुपर मॉडल और कोरियोग्राफर एलिसन कुनुगाई की बहन ओलिविया का बर्थडे पार्टी में फर्स्ट टाइम कैटरीना सलमान से मिली थी। मैंने प्यार क्यों किया फिल्म के शूटिंग के दौरान सलमान और कैटरीना का दोस्ती काफ़ी बढ़ गया। कैटरीना आज बॉलीवुड में जिस मुकाम पे है वहाँ जाने में सलमान का सबसे बड़ा हक था, ये बात सबको मालूम है। ऐश्वर्या जाने के बाद सलमान के खाली दिल पे कैटरीना का बसना ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सलमान ऐश्वर्या को भूल के कैट के साथ डेट करना चालू भी किया। दोनों ने कभी भी अपने रिलेशन के लेके मीडिया में कोई भी बयान नहीं दिया था, बट कैट और सलमान को काफ़ी बार एक जगह पे बहुत बार देखा गया था। कैटरीना अपने बिजी शूटिंग से टाइम लेके सलमान के घर का फंक्शन पे पहुंच जाता था। सलमान के परिवार के साथ कैटरीना अपने आप को मिला लिया था। रिलेशन के बारे में खुलासा कभी नहीं किया दोनों ने, मगर कैमरा की लेंस ने दोनों की काफ़ी नज़दीक भरी पिक्चर भी कैप्चर किया था, जिसमें दोनों का प्यार भरा रिलेशनशिप नज़र आती है। हम लोगों को मालूम है सलमान अपने गर्लफ्रेंड को लेके हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। एक बार कैट का बर्थडे पार्टी में शाहरुख के साथ सलमान का झामेला हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि सलमान गुस्से में शाहरुख को थप्पड़ भी मारे। इस वजह से सलमान से नाराज़ होकर कैटरीना सलमान से दूर होकर रणबीर कपूर की बहू में चली गई और डेट करने लगी, इसलिए सलमान से कैटरीना का रिलेशन आगे नहीं जा पाई। लेकिन 5 साल के बाद एकता टाइगर के शूटिंग के दौरान कैट और सलमान का दोस्ती फिर से शुरू हो गई, मगर खबरें सामने आई दोनों का रिलेशन पहले जैसा और नहीं रहा। कैटरीना जाने के बाद सलमान कैट के जैसा दिखता एक न्यू हीरोइन जारिन खान के साथ समय बिताया और कुछ फिल्म भी की, मगर दोनों का रिलेशन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ ये बात शायद सलमान को भी मालूम नहीं चला। ये सब के पीछे एक बात कॉमन है, जैसा जारिन खान कैटरीना के तरह देखते हैं हुए भी कैटरीना का जगह नहीं ले पाई, वैसे ही स्नेहा उल्लाल भी सलमान के मन में ऐश्वर्या का कमी पूरी नहीं कर पाई। इस वजह से इस दो रिलेशन में सलमान ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पाया और दोनों रिलेशन ज़्यादा आगे नहीं जा पाया। लुलिया भांटूर। लुलिया भांटूर एक रोमानिया एक्ट्रेस मॉडल थी। लास्ट कई सालों से बॉलीवुड में बात हो रही है कि सलमान खान के अभी का गर्लफ्रेंड है लुलिया भांटूर। लुलिया के साथ सलमान फिल्म जॉय हो के शूटिंग के दौरान रोमानिया में मुलाकात हुई। उसके बाद से सलमान का काफ़ी करीबी दोस्त बन गई लुलिया। लुलिया बॉलीवुड में सलमान का सपोर्ट लेके काम चालू किया। लुलिया सलमान के साथ रेस 3, राधे और सुल्तान में भी काम किया और अभी कुछ फिल्म और वीडियो सॉन्ग में भी काम कर रही। बॉलीवुड में सलमान लुलिया का बहुत सपोर्ट किया। लुलिया मीडिया में इस बात को माना भी है। लुलिया को भी सलमान के घर पर हर एक ओकेशन में देखी गई, मगर किस वजह से दोनों की रिश्ते टूट गई इसका खबर आज तक मालूम नहीं हो पाया। आप लोगों को एक बात मैं बता रहा हूँ कि सलमान अपने सभी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ आज भी दोस्ती का रिश्ता बखूबी निभा रहा है। साइन बनू से संगीता बिजलानी, सोमी आली, स्नेहा उल्लाल, कैटरीना काइफ सबके साथ ही सलमान का फ्रेंडशिप का रिश्ता काफ़ी गहरा है। मगर एक बात जो सच है, नसीब में नहीं है तो लाख कोशिश भी कर लो मिलता नहीं कभी कुछ भी, इसलिए सलमान खान को आज भी अपना सच्चा प्यार नहीं मिल पाया। वीडियो में बताई गई एक्ट्रेस को छोड़ के भी टेसी साहो एंड जर्मन एक्ट्रेस क्लाडिया सिसला के साथ भी सलमान डेट किया था, मगर कोई भी बात सही से मालूम नहीं चला। वीडियो के एंड में सलमान अभी भी बॉलीवुड का बैचलर हैंडसम हंक है। इतना रिलेशन के साथ सलमान का लाइफ जोड़ के भी अपना सच्चा प्यार नहीं मिला, इसका वजह क्या है? मेरी मानो तो सलमान अपने गुस्से और जिद से अपने गर्लफ्रेंड को तंग कर देता था, जो किसी को नहीं पसंद था। इस वजह से सभी गर्लफ्रेंड सलमान के लाइफ में आके भी सलमान को छोड़ के गई है। देखिए, लाइफ में सभी को एक साथी की ज़रूरत होती है। आपका राय क्या है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।